संत हिराम नगर में सिंधी सेंट्रल पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। इस अवसर पर आयोजित सुंदरकांड और पूजा पाठ कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक, सिंधी सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। संत हिराम नगर में सिंधी सेंट्रल पंचायत के कार्यालय का उद्घाटन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड और पूजा पाठ का आयोजन किया गया। सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष चंद प्रकाश इसरानी ने बताया कि संत नगर में समाज की जो भी समस्याएं हैं उसका हम सब मिलकर निराकरण करेंगे। सिंधी सेंट्रल पंचायत कार्यालय में रोजाना शाम से लेकर रात्रि तक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यालय का उद्घाटन किया और सिंधी सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारियों को बधाई दी। सेंट्रल पंचायत संत हिराम नगर ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन यहां पर किया है। हनुमान सुंदरकांड का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। मैं इस अवसर पर यहां के सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्र प्रकाश इसरानी और चंदू भैया को और महामंत्री आदरणीय सुरेश जसवानी साहब को और उनके पूरे पद खेमचंदानी वो है ना संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष वासुदेव संरक्षक है वासुदेव भाई संरक्षक साहब को पूरी टीम को नरेश जी को और सारे पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यालय से सामाजिक गतिविधियों का भी संचालन होगा, समाज की प्रॉब्लम है उनके समाधान के लिए भी कार्यालय सक्रिय रहेगा। सिंधी सेंट्रल पंचायत का विधिवत कार्यालय का शुभारंभ किया गया जिसे हुजूर विधायक माननीय रामेश शर्मा जी द्वारा फीता काटकर खड़ा किया गया। संस्था को लगभग 8 वर्ष हो गए। हमारे एनडी हेमचंदन साहब संस्था का अध्यक्ष थे। अभी 3 महीने पूर्व मुझे संस्था का अध्यक्ष बनाया गया था। एक उसका कार्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी इसलिए जिससे कि हम जो है ना समाज या जनता एवं सरकार के बीच में सेतु का कार्य कर सकें। अब हमारा 6 से 8 बजे तक हम डेली यहाँ बैठेंगे एवं समाज में जनता को जो समस्याएं होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में समाज सेवी ईश्वरलाल हिमथानी, अध्यक्ष चंद्र प्रकाश इसरानी, महासचिव सुरेश जसवानी, करैया इसरानी, हीरो हिंदू साहित्य संत नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी गण नागरिक मौजूद रहे। EMT न्यूज भोपाल।